ये देखो दोस्तों, इतना नैरो पाथ है, दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ट्रैक आ गया, सारे रास्ते में बताएं कि हाल बुरा हो गया ये सब। यार जैसा आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम यहाँ पे जाएंगे, लोकल लोगों से मिलेंगे, और लोकल लोगों में एक सचिन भाई हैं। सचिन भाई आओ यार, तो आप बताओ आप मुझको कहाँ पे लेके जा रहे हो? मैं अधोड़ा गांव पे। अधोड़ा गांव कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग अभी हम 6 किलोमीटर और आ गए। 6 किलोमीटर और आ गया, और आप हमको बताने वाले हैं कि नैनीताल में लोग किस तरीके से रहते हैं, लोकल डेलिकेसीज क्या हैं, राइट? चलो फिर चलते हैं यार। तो यार बाइक पे सचिन भाई के साथ जा रहे हैं, और जो ये ड्राइव कर रहे हैं बाइक, सचिन भाई की बाइक है, हम उनके गाँव में। ये बाइक थोड़ी देर तक हम लेके जा सकते हैं, थोड़ी दूर तक लेके जा सकते हैं, उसके बाद हमको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, वो मैं दिखाता हूँ। ट्रैकिंग का भी अलग मज़ा है, ये पूरा का पूरा मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा, बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली है ये। एकदम गवर्नमेंट ने काम किया है, बट अभी यहाँ पे रोड पूरा भरा नहीं है ढंग से। तो यार अधोड़ा पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं 0 किलोमीटर बाइक पे हम आ गए हैं। यहाँ 3-4 किलोमीटर बाइक पे सचिन भाई की बाइक पे हैं, और अभी मतलब मैं दिखा रहा हूँ ये पीछे जो रास्ता है पूरा का पूरा, इस पे हमको ट्रैक करके जाना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लोकल लोग बोलते हैं, जिया जी क्या बोलते हैं लोकल लोग? लोकल लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जंगली भालू और जंगली जानवर सब लोग सब इसी चीज़ पे होती है, तो हमको अंधेरा होने से पहले पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। वहाँ पे इनके घर पे हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं जो ये वहाँ पे रूटीन में खाते हैं। तो चलो कुछ होने वाला है, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, तो अभी थोड़ा एडवेंचर करते हैं। ये सर्दी का टाइम है, मतलब 5 बजे यहाँ पे आप देखोगे पूरा ये घाटी में आपको कोहरा दिखाई देगा। तो चलो यार चलते हैं, आपको दिखाता हूँ एकदम इट्स अमेजिंग एडवेंचर, किसी ने यूट्यूब पे किया नहीं होगा, तो मैं आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ ये। तो यार ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ट्रैक करके हमको जाना है वहाँ पे। ये जो आपको वाइट दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ, इस जगह हमको जाना है। अभी यहाँ पहुँचने में कम से कम लगने वाला है 1 घंटा, और अभी हो चुके हैं 5, और यहाँ पे रात भी हो जाएगी। जैसे जी ने बताया था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर भी आते हैं, तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है एडवेंचर में। ये भाई मिले हैं, आपका नाम क्या है? आप ये क्या कर रहे हो अभी? ये सिंचाई। सिंचाई कर रहे हो? ऐसे सिंचाई करते हैं यहाँ पे? हाँ। तो इसमें अभी क्या आप कुछ खाने वाने का कुछ लगाओगे? इसमें लगा रखा है। क्या लगा रखा है अभी? धनिया बो रखा है। अच्छा धनिया बो है। हाँ। तो यहाँ पे आप इसी की फसल करते हो? हाँ, धनिया, ये सब्जी वगैरह जो भी होती है सभी, ये सभी आप करते हो इसमें? और मतलब सही प्रॉफिट मिलता है इस पे? कहाँ मिलता है प्रॉफिट? प्रॉफिट अभी कुछ नहीं मिलता है, मतलब बस काम वाम के लिए, बस बस वो सब चीज़ें। तो यार ये भी एक है एंगल, देखिए लोकल लोग यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, और ये पानी की इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है यहाँ पे, नेचुरल वाटर है एकदम। तो दिल्ली से यहाँ पे हवा में भी फ़र्क इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है हम लोग को। ये देखो दोस्तों, इतना नैरो पाथ है, ये पहाड़ियों पे अलग अलग गांव है क्या? हाँ जी अलग अलग हैं। तो इन गांव के नाम क्या क्या हैं? ये अभी हम यहाँ पे अधोड़ा पे हैं। हाँ। और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं लिंगाधार को। ओके। और ये सामने दिखाई दे रहा है वो है बगड़। बगड़। ओके। ये कितने किलोमीटर है? ये रोड एक तो हमारी कच्ची यही जंगल के रास्ते पड़ती है, बाकी नैनीताल को होते हुए वहाँ से ये रूट करते हैं, नैनीताल से आ सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी ट्रैकिंग के हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि नैनीताल में ट्रैकिंग होती है। जी सही है, सही है। कह सकते सर ये, लेकिन पहले का रास्ता सर हमारा पैदल का यही था, जंगल का रास्ता। तो यार जितना ईजी सोचा था उतना ईजी है नहीं, आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, पर काफ़ी मज़ेदार है, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। वो देखिए स्ट्रैप फार्मिंग, पहाड़, पक्षी, और ये सिर्फ हम इसके ऊपर ट्रैक कर रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है इसका, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की ट्रैकिंग है ये। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करके ये लोग जा रहे हैं सामान लेके। हमारा तो ट्रैक में हाल बुरा हो गया, ये सामान उठा के जा रहे हैं पूरा इस ट्रैक पे। देखो यार चल रहे हैं तो पूरे पत्तों की आवाज़ आ रही है, बड़ा खूबसूरत ट्रैक आ गया है, सारे रास्ते में बताते हैं आपको आवाज़ आ रही होगी पत्तों की, वृक्षों की। तो आप देखो कितना नैरो ट्रैक है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे लापरवाही हुई तो आप एकदम लेफ्ट में जा सकते हैं, पर बहुत खूबसूरत है यार। मतलब लोगों को पता नहीं है ऐसी ऐसी जगह का, हमको लोकल भाई मिल गया था, वो लेके आया,
बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। तो यार लगभग 70% हो गया ट्रैक, ट्रैक इतना अमेजिंग है, मतलब देख सकते हो हमारी हालत एकदम थके हुए हैं, बट एकदम अलग से फ्रेश फील कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जितना पोल्यूशन है यहाँ आके उतनी फ्रेश एयर मिल रही है हम लोग को। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको पेड़ पक्षियों की, यहाँ पे फ्लोरा फौना इतना अमेजिंग है कि अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमको गाँव में जाना है। अभी मतलब है थोड़ा सा, दिल्ली दूर है अभी थोड़ी सी, तो मैं आपको हर एक को रिकमेंड करूँगा, अगर नैनीताल आ रहे हो तो यार मार्केट में हर कोई जाता है, मैं इसीलिए नैनीताल आया हूँ ये ब्लॉग के लिए, ताकि आपको अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक्स लेके आ सकूं, और मैं आपको लेके आया हूं, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ज़रूर दूंगा, तो यहां ज़रूर आना। क्या बोल रहे हैं? बहुत अमेजिंग है। और सचिन पहाड़ी हमारे दोस्त हैं, हम इनके घर पे आज रुकने वाले हैं, तो सच में बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा टूर, मतलब हम लोगों ने गाँव में जाके देखना, बहुत अमेजिंग है। बर्ड्स है बहुत सारे यहाँ पे, हमने देखा अभी, आप देख सकते हैं ऊपर, देखिए उस पर, वहाँ हमको जाना है उधर, देखिए। और लोगों को पता नहीं है, इसीलिए बेसिकली ये ब्लॉग का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को पता चले कि नैनीताल जैसी जगह में भी काफ़ी ट्रैक्स हैं, यहाँ लोग बस लेक देख के आते हैं। और एक्चुअल में यहाँ पे मतलब मैं आपको जो शुरुआत में बता रहा था कि जंगली जानवर आते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचिन भाई खुद बता देंगे, क्या बोलते हो सचिन भाई? क्यों नहीं आते? आते हैं सर, हमने देखा भी है, अभी हम आपको कैप्चर नहीं कर पाए, कुछ जंगली जानवर थे ऐसे देख के भागे हैं वो लोग इधर से, तो हमें भी थोड़ा सा अभी अंधेरा हो रहा है और डर सा लगने लगा है, चलते हैं सचिन भाई, भागना होगा हम लोग। फाइनली ये फाइनली पहुंच गए हैं सचिन के घर पे, ये देखिए हिमालयन डॉग्स को, उसके साथ खिलाड़ी कर रहे हैं, और मतलब यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये पीछे देखिए स्काईलाइन एकदम, क्या अमेजिंग है, यहाँ ये लोग खेती वेती कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और कैसा लगा ये एक्सपीरियंस कर रहा है? फाइनली हम लोग सचिन के घर पे पहुंच गए हैं, और इनके दो शानदार कुत्ते ने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। बिल्कुल, लेकिन सच में आप देखेंगे बहुत सुंदर, इतना मतलब प्राइसलेस है ये पूरी स्काईलाइन, ये देखिए। तो यार सचिन भाई के घर आए हैं, सचिन भाई यहाँ पे पहाड़ी चाय पिला रहे हैं। सच में हम लोग पहाड़ी चाय पिए ना, इन्होंने ये नहीं बताया कि दूध किस चीज का है, किस चीज का दूध है, ये बात सस्पेंस इन्होंने छोड़ दिया है। और देखिए हमें हमारे अंकल अभी काफी स्नैक्स लेके आए हैं यहाँ पे, तो रंग बिरंगे हमारे पास अभी आ गए बहुत कलरफुल से। ये क्या है सचिन भाई? चिप्स, 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 और हम खाएंगे अभी इनको, और गुजिया खाएंगे, गुजिया लेके आए हो। हाँ। आप लोगों का क्या नाम है बच्चों? पवन। हर्षित। हर्षित, पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ। और नाइन्थ में हो? तो यार जैसे मैंने बताया था, आंटी ये गुजिया लेके आई थी और ये चिप्स लेके आई हैं। आंटी इसमें क्या क्या है, मतलब मैंने अभी खाया, बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग है, जैसे यहाँ दिल्ली में मिलती है उस तरीके की, ये हैवी नहीं है, मतलब एक बाइट में तो बहुत क्रंची है। वैसे तो है तो ये बाजार की चीज, काजू है, किशमिश है, और सूजी, क्या कहते हैं सूजी, तो कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं। इतनी लाइट क्यों है ये? बट लाइक दिल्ली में मैं खाता हूँ कहीं पे, इतनी लाइट है, मतलब खाते ही एकदम क्रिस्पी। बनाने बनाने की बात है ना, घर में हमने वो खोया घर में घोल रखा है। अच्छा, इसका ना खोया जो बनता है। अच्छा, वो डाल रखा है, और मतलब थोड़ी मेहनत लगती है, हो जाता है। तो अंकल आपको तो मतलब अमेजिंग खाना मिलता है हमेशा, आप तो खुश हो गए। नहीं नहीं सही है यार, तो ये मैदा भी नहीं है इसमें, मुझे लग रहा है मैदा नहीं है ना, मैदा है बाहर से, लेकिन बहुत कम मैदा है, बहुत कम है, वही बहुत अमेजिंग तरीके से बनाई है, अंदर से इतना टेस्टी लग रहा है ना, लग रहा है यहाँ से पैक करा के हमको लेके जाना। हाँ, तो यार काफी हॉस्पिटैलिटी मिली सचिन के घर पे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको पीछे वो लाइट दिख रही है, वहाँ से हम आए इतने ऊपर तक, मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। तो मतलब अंकल कितने किलोमीटर दूर हो गए ये, अगर मैं मेन नैनीताल से बोलूँ तो कितने किलोमीटर दूर होगा मेन नैनीताल से? यहाँ मेन नैनीताल से 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर का ट्रैक है, और सचिन हमको झूठ बोल के लाया कि 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है, और मतलब हालत ख़राब हो गई है, पर बहुत अमेजिंग है, और मैं अगेन बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आइएगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आता जाऊँगा, तो दिल्ली वालों को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने ट्रैवल, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।